हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज की। तो इस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में वी हैव कंप्लीटेड आवर इकोनॉमिक्स कोर्स। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ज्योग्राफी रिलेटेड डिस्कशन। तो हम लोग देखेंगे इसमें ज्योग्राफी में क्या कुछ हमारे पास है, विच इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज आवर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। तो देखेंगे हम लोग क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसमें टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। मैं कहूंगा फटाफट आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा मटेरियल, ये सारा का सारा डिस्कशन, नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग विल बी पोस्टेड देयर और आपको वहां से सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल है। इन दोनों को आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। सो कमिंग टू आवर ज्योग्राफी डिस्कशन, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट ऑल आर देयर इन आवर ज्योग्राफी, क्या कुछ है हमारे सिलेबस में। तो देखिए, जब ज्योग्राफी का सेक्शन आता है तो हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन स्टेट पीसीएस के लिए तो आपको डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करें तो देखिए यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आना थोड़ा सा यहाँ पर नहीं होता है। मतलब यहाँ पर आपको नियरली 2 to 3 क्वेश्चन तो आपको ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट के साथ में लिंक करके आ रहे होते हैं। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तब तक आप इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को इन्वायरमेंट के साथ लिंक नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आप करंट अफेयर्स के साथ में लिंक नहीं कर पा रहे होंगे, या जो भी साइंस एंड टेक की डिस्कशन है उसके साथ भी आप लिंक नहीं कर पा रहे होंगे। तो एनीवे यू हैव टू स्टडी दिस, आपको ये पूरी की पूरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर भी चाहे क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, क्योंकि इसका बाकी सब्जेक्ट के साथ में लिंकेज काफी ज्यादा है। तो फटाफट हम लोग जरा देखते हैं कि क्या क्या कुछ हमारे पास ज्योग्राफी में है। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है ज्योग्राफी में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, फिर हमें पढ़ना होता है हमारी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, एंड देन हमें पढ़ना होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। अब इसमें देखिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। हम लोग पहले फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे स्टार फॉर्मेशन एंड ऑल दैट जितनी भी चीजें हैं, फिर हम लोग अर्थ पे आ जाएंगे, अर्थ में हम लोग इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि अर्थ में अंदर कुछ क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, फिर क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ओशनोग्राफी के बारे में बात करेंगे, बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो कुछ भी डिस्कशन है वो सारा कुछ हम लोग देख रहे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जब आएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली इंडिया के हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजियोग्राफी टू द ड्रेनेज टू द सॉयल एंड जो भी कुछ है नेचुरल पार्क एंड ऑल दैट, सारी कुछ बातें करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे इंडस्ट्रीज के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, सब कुछ यहाँ पर हमें डिस्कशन करना होगा। ये सारा का सारा हमारा यूपीएससी के सिलेबस में आ रहा होता है। मैं कहूंगा कि एक बार इस सिलेबस को आप लोग फटाफट देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर इंक्लूड करना भूल गया हूँ, आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं सारे के सारे कोर्सेज को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फिजिकल ज्योग्राफी ही। मतलब यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी यू विल लिंक इट विद द फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मैप रिलेटेड होती हैं। इस मैप रिलेटेड के लिए आप लोग मैप सीरीज देख ही रहे होंगे। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर देखिए डिस्कशन होते हैं जो कि मैं अगेन इन सारे डिस्कशन को एक सेपरेट वीडियो में लेते आऊंगा, आप वहां पर उस चीज को जाकर के देख सकते होंगे। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला डिस्कशन, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल दिस ज्योग्राफी पार्ट विद इन 10 days, 10 दिन में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग इन्वायरमेंट भी आपके 10 days में कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये कोशिश करेंगे कि मई तक में या फिर जून के फर्स्ट वीक तक में खत्म हो जाए। चले खैर, फटाफट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड डिस्कशन। तो एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड डिस्कशन जब में आएंगे तो आपको इस तरीके की कुछ फोटोग्राफ आपने देखी होगी, चाहे नासा की वेबसाइट पे या फिर मीडिया में या फिर एनीवे सोशल मीडिया वगैरह में तो आपने देखा ही होगा। तो दीज आर सम पिक्चर्स विच आर बीन टेकन थ्रू सैटेलाइट्स एंड ऑल दैट, और इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं हमारा सोलर सिस्टम या फिर हमारी यूनिवर्स के रिलेटेड डिस्कशन। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए, जैसे यूनिवर्स, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है उसको बोला जाता है यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं, नंबर ऑफ गैलेक्सीज। तो एक गैलेक्सी हो गई, दूसरी गैलेक्सी हो गई, तीसरी गैलेक्सी हो गई, ऑल दैट। एक गैलेक्सी के अंदर में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा सन वाला सोलर सिस्टम है।
तो उसी तरीके से बहुत सारे और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारी सोलर सिस्टम जो होती है वो सन के कारण से, इसी तरीके से मान लेते हैं कि एक और है जिसको बोलाता है केल्प बी, केल्प बी का सोलर सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ सोलर सिस्टम हो जा रहे होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से एसोसिएटेड एक गैलेक्सी होगी, इस गैलेक्सी को बोला जाता है मिल्की वे, नाम हमने दिया हुआ है मिल्की वे। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, तो हमारे पास इस सोलर सिस्टम में, इस गैलेक्सी के अंडर में जितने भी सोलर सिस्टम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लैनेट्स। ये टर्म्स वगैरह ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपने करंट अफेयर्स में बता रखा है, फिलहाल आप इसको फिर से जान लीजिए कि सोलर सिस्टम जो भी हमारे अदर सोलर सिस्टम होते हैं उसके जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनको हम लोग एक्सोप्लैनेट्स बोल रहे होते हैं। क्लियर? कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम लोग कॉस्मोस के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में कॉस्मोस का मीनिंग होता है, कॉस्मोस मीनिंग होता है कि एक तरीके से एनर्जी का पूरा भंडार, या फिर कह सकते हैं कि रिजर्व ऑफ एनर्जी, रिजर्व ऑफ एनर्जी। हम लोग यहां पर देखेंगे कि रिजर्व ऑफ एनर्जी आया कहां से, कैसे ये पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट होती है, इन आवर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अभी डिस्कशन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो कॉस्मोस के बारे में आपको पता चल गया कि यूनिवर्स को ही हम लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में कॉस्मोस। तो कॉस्मिक क्या हो जाएगी? कॉस्मिक स्टडी हो जाएगी। तो विच इज रिलेटेड विद द यूनिवर्स और कॉस्मोस, उसको हम लोग कॉस्मिक बोल दे रहे होते हैं। कॉस्मिक रेज कौन सी हो जाएंगी? जो भी इस यूनिवर्स में जो भी रेज होंगी, जो भी वेव्स होंगी, उन सबको हम लोग कॉस्मिक रे बोल देंगे। तो दीज आर हाईली एनर्जेटिक एटॉमिक न्यूक्लियस और अदर पार्टिकल ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। डायरेक्ट एक्सपोजर टू कॉस्मिक रे कैन कॉज जीन म्यूटेशन रिजल्टिंग इन कैंसर। अब देखिए यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू कॉस्मिक एनर्जी कैन कॉज जीन म्यूटेशन रिजल्टिंग इन कैंसर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए थोड़ा सा आपको फिजिक्स आनी चाहिए। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे यहां पे, मतलब कि फिजिक्स में एनर्जी जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है और ना ही एनर्जी को पैदा किया जा सकता है। एनर्जी क्या होती है? वन फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होती रहती है, ये कन्वर्जन होते रहता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, दो गाड़ियों को लेकर के स्पीड में आ रहे हैं, तो गाड़ी के पास अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी है। जब उस काइनेटिक एनर्जी को किसी इस मान लीजिए ब्रेकर पे या कहीं पर भी आप टकरा देंगे तो उससे क्या होगा, साउंड पैदा हो जाएगी और उस साउंड के कारण से डैमेज भी उस गाड़ी को पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी अगेन एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो हमारे बोलने के कारण से हमारे आसपास के जितने भी पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट हो रहे हैं। वाइब्रेट होने के बाद में इस तरीके से धीरे धीरे करके जो भी सामने वाला बंदा होगा उसके कानों में पहुंचेगा और हमारी जो वहां पर जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी वापस से साउंड एनर्जी में और उस बंदे को भी सुनाई देने लगेगा। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली एनर्जी जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होती रहती है। दिस इज वॉट ओके, एनर्जी एक दूसरे से दूसरे कन्वर्ट होती रहती है। सेम उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि दिस इज आवर ह्यूमन बॉडी, तो देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गया था बीच में। ओके, हम लोग वापस से आते हैं। तो मान लेते हैं ये आप हैं और आपको काफी ज्यादा एनर्जी जो होती है वो एक्सपोज की गई है, एनर्जी दी गई है। तो ऑब्वियसली मैंने अभी बोला आप लोगों को कि एनर्जी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होती रहती है, कभी भी एनर्जी बनती नहीं है। तो जैसे ही आप एनर्जी को ये एक्सपोज किए जाएंगे, एनर्जी के संपर्क में लेकर के आएंगे, तो आप आइसोलेटेड इंसुलेटेड तो है नहीं, आपको एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे आपके बॉडी की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा अगर एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे तो फिर आपके शरीर के अंदर में डीएनए या जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनकी म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है, उनमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन दी जाती है, हाई एनर्जी की बीम दी जा रही होती है, तो अगेन जो होती है उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही होती है और यही यहां पर कहा जा रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए खैर, इसके आगे होती है कॉस्मोलॉजी। लॉजी मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। तो कॉस्मोस की जब भी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसको कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्स एज अ होल इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ये नासा के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा देखिए कॉस्मोलॉजिकल, इट इज रिलेटिंग टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, इसको कॉस्मोलॉजिकल बोला जाता है। तो अब से कभी भी कॉस्मोस या कॉस्मिक इस तरीके के वर्ड अगर आप सुनिए तो आप सीधे सीधे उसको रिलेट करके लेते आइए एक रिजर्व ऑफ एनर्जी से, या फिर आप उसे यूनिवर्स भी बोल सकते हैं।
अब इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं जरा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन पे। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, अगेन देखिए यहाँ पर कुछ स्टैटिक डेफिनेशंस वगैरह हैं, इनको फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, स्टार प्लैनेट एंड कॉमेट जितने भी चीजें होती हैं, एंड फिनोमिना दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फियर सच एज सोलर विंड ग्रेविटेशनल वेव एटसेट्रा, तो उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोल दे रहे होते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो द यूनिवर्स इज ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस, इट इज कॉम्प्रिहेंसिवली लार्ज बियॉन्ड मेंटल ग्रास्प, तो ये काफी बड़ा होता है और एनर्जी से फुल भरा हुआ होता है। इसमें बहुत सारे एग्जिस्टिंग मैटर्स होते हैं, स्पेस हो रही होती है और बाकी सब चीजें भी हो रही होती हैं। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ फिजिकल एज वेल एज नॉन फिजिकल, फिजिकल का मतलब हो गया जो भी चीजें आप देख सकते हैं, जो भी चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सबको फिजिकल बोल दिया जाता है। इस फिजिकल में आ जाती है आपकी जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटॉमिक पार्टिकल्स आ जा रही होती हैं, जबकि वही अगर बात करते हैं हम लोग जो नॉन फिजिकल है या फिर जिसको आप चीजें देख नहीं सकते हैं, जैसे टच नहीं कर सकते हैं, लाइक लाइट हो गया, ग्रेविटेशन फील्ड्स हो गई, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इनको आप केवल फील कर सकते हैं, यू कैन नॉट टच इट, ओके, तो इनको बोला जाता है नॉन फिजिकल बैरियर। सम कॉस्मोलॉजिस्ट बिलीव दैट अ यूनिवर्स वॉज बॉर्न अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, देखिए ये सब क्वेश्चन जो होता है वो स्टेट पीसेस में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट जो है वो यूनिवर्स को मानते हैं कि 13.8 बिलियन साल पहले बन गया था और ये इन द फॉर्मेट ऑफ बिग बैंग था। ये बिग बैंग क्या चीज है ये हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो इट इज अ जिगेंटिक एक्सप्लोजन दैट कॉज्ड मैटर टू एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन टू फॉर्म गैलेक्सी स्टार एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें हैं इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि ये क्या चीज है। द यूनिवर्स एट प्रेजेंट इज सेट टू पोजेस अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी ईच कंप्राइजिंग एन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार्स, ओके। तो ये आपको डेटा कई बार पूछ दिया जाता है, हालांकि जो होता है एनसीईआरटी में 10^22 ये स्टार्स बताए गए हैं, तो एनसीईआरटी को ही आप लोग फॉलो करिएगा और वही डेटा लिखिएगा। इन कंपैरिजन मिल्की वे गैलेक्सी इज बिलीव टू पोजेस 100 बिलियन टू 400 बिलियन स्टार्स, तो ये सब केवल अगेन डेटा है, एज सच नॉट इंपॉर्टेंट, बट 10^22 ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यहां पर स्केल दे दी गई है कि 1 मिलियन किसको बोलते हैं, 1 बिलियन किसको बोलते हैं, 1 ट्रिलियन किसको बोलते हैं, ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में अगेन आगे बढ़े तो देखिए हम अब थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि आखिर में जो यूनिवर्स है, ये संसार या पूरा ब्रह्मांड है, वो कैसे बना। तो सबसे पहले आती है हमारी जो थ्योरी दी गई थी, उसको बोला गया था नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूला का मतलब क्या होता है, नेब्यूला का मतलब होता है एक तरीके का कोई एक ऐसा पार्टिकल जो बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है, इसके पास हाई टेम्परेचर है और इस हाई टेम्परेचर के कारण से ये ग्लो कर रहा है। ग्लो करने के कारण से क्या होगा कि जितने भी इसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी चीजें हैं, वो भी क्या होंगी, ग्लो कर रही होंगी। ग्लो करने का मतलब है कि धीरे 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 ये जो मैटर है आसपास का, वो भी एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जा रहा होगा। तो इस पूरे के पूरे थ्योरी को दी गई थी इमैनुअल कांत के द्वारा, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे। नाम याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग करने को आ सकता है, थ्योरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैच द फॉलोइंग में इनके नाम याद रखना जरूरी होता है। इस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस को फिर बाद में वापस से री एग्जामिन किया गया था हमारे पियरे साइमन लैपलास के द्वारा 1796 के दौरान में। इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि द प्लैनेट्स वर मोल्डेड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यंग सन विच वॉज रोटेटिंग स्लोली। अब यहां पर है क्या कि मान लेते हैं कि दिस इज सन एंड सन इज रोटेटिंग, ये हमारा रोटेट कर रहा है। रोटेशन के कारण से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साथ में एक क्लाउड एसोसिएटेड है। क्लाउड मतलब एक तरीके से कुछ पार्टिकल्स का एक तरीके से समूह हो गया, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हो गए। इस पार्टिकल के कारण से चारों ओर जो मटेरियल है वो भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इकट्ठा हो करके बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक सिंगल पार्टिकल बना लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा समझिएगा वापस से क्या है, ये तो मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाया हूं, अब मैं जरा आप लोग को टॉप व्यू दिखाता हूं। टॉप व्यू में मान लेते हैं ये हमारी सन आ गई जो बीच में है, इस सन के एसोसिएटेड यहां पर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा एरिया क्लाउड से भरा हुआ है। तो क्लाउड से भरा हुआ होगा तो ऑब्वियसली यहां पर एक सिंगल तो होगा नहीं, इस तरीके से पूरा का पूरा मटेरियल फैला होगा, ये पूरा का पूरा मटेरियल फैला होगा। अब इस मटेरियल में क्या है, यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, सब अलग अलग फैले हुए हैं। यहां हो सकता है कि मास ज्यादा हो, यहां पर हाई मास हो, यहां पर हो सकता है लो मास हो, यहां पर फिर हो सकता है हाई मास हो, फिर यहां लो मास हो सकता है। अब आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लीजिए। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स,
इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बोली जाती है एफ इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ पार्टिकल वन मास ऑफ पार्टिकल टू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगेन जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो कि 100 किलोग्राम का है, एक मान लेते हैं छोटा पार्टिकल है जो 10 ग्राम का है, 10 ग्राम या 100 किलोग्राम, यानी ये कितना हो गया 10 टू द पावर 5 ग्राम। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि 2 मीटर की है, तो इनके बीच में ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ देयर हाई वेट। इस वेट के कारण से इनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन, एम वन मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर 5, M2 हो गया 10 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी इनकी, यानी 10 टू द पावर 6 अपॉन 4 ये हो जाएगी इनटू G, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू क्यों हमें, मतलब हर एक पार्टिकल के बीच में अगर लग रहा है तो फिर हम फील क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज इस G की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12। अब 10 टू द पावर -12 जब आप करेंगे तो 10 टू द पावर -6 में चली जाएगी और वैल्यू निग्लिजिबल के बराबर हो जाती है। इसीलिए जितने भी 100 किलोग्राम वगैरह के बॉडी में कभी भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं करते हैं, जो हम लोग फील करते हैं वो बेसिकली बहुत बड़े बड़े गिगेंटिक पार्टिकल्स के बीच में, जैसे अर्थ हो गई, सन हो गई, इनके बीच में हमें फील करना होता है, जहां पर इनका मास ही 10 टू द पावर 12 किलोग्राम वगैरह हो रहा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, तो हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या चीज है। इनफैक्ट इस ग्रेविटेशनल फोर्स पे ओलंपिक में गेम भी होता है, जहां पर एक बहुत ही हैवी सी बॉल होती है, उसको फेंकना होता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग में इस तरीके से मूव कर रही होती है और पार्टिकल को जो भी यहां पर रखा रहता है उसको टच कर रही होती है। तो ये बेसिकली हुआ क्यों, प्लेन तो सरफेस तो प्लेन है लेकिन फिर क्यों मूव कर रहा है, इसीलिए मूव कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वेट का होता है, हाई वेट होने के कारण से ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन में आ जा रही होती है और जाकर के अपनी ट्रेजेक्टरी को मूव कर दे रही होती है। तो अब आपको और क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या चीज है। अब देखिए जरा यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप समझ गए हैं, अब आप आ जाइए वापस से अपने इस सेविटसन वाले सिस्टम में। अब यहां पर क्या है, इसका मास एम वन होगा, इस हाई मास का मान जो मास है मान लेते हैं एम टू है, यहां पर मान लेते हैं लो मास एम थ्री है, यहां पर हाई मास मान लेते हैं एम फोर है, ये मास मान लेते हैं कि एम फाइव है। अब देखिए इस वाले पार्टिकल पे एक फोर्स इधर भी लग रहा है F1, एक फोर्स इधर भी लग रहा है F2, एक फोर्स इधर भी लग रहा है F3 और एक फोर्स इधर भी लग रहा है F4। सिमिलरली हर एक पार्टिकल इसी तरीके से फोर्स फील कर रहा होगा। इन सारे फोर्सेस का मान लेते हैं इधर में फोर्स, इधर में फोर्स, इधर में फोर्स, इधर में फोर्स, सारे फोर्सेस का एक क्यूमुलेटिव एक नेट फोर्स निकल के आ रहा होगा। मान लेते हैं वो फोर्स कुछ इधर के साइड में निकल के आ रहा है, तो इसका अगर बात करें, वन सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसका ये वाला जो मास है, इस मास का अगर नेट फोर्स बात करें, इसका अगर नेट फोर्स बात करें तो मान लेते हैं लगता है इधर के साइड में। सिमिलरली इधर वाला जो है वो मान लेते हैं कि कहीं पर नेट फोर्स बन रहा है इधर। सिमिलरली इसका मान लेते हैं कि नेट फोर्स बन रहा है इधर के साइड में और इसका भी नेट फोर्स बन रहा है मान लेते हैं इधर ही के साइड में। तो अब अल्टीमेटली ये सारे के सारे पार्टिकल क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट होते आएंगे, अट्रैक्ट होते 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 होगा क्या, अट्रैक्ट होते होते होगा ये कि पूरे के पूरे पार्टिकल एक जगह पे आकर के इकट्ठे हो जाएंगे और पूरे की पूरी सिंगल मास की बॉडी बना ले रहे होंगे। ये सिंगल मास ऑब्वियसली अब एक जगह पे इकट्ठा होने के कारण से काफी बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के पीछे रीजन ये है कि अब सारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह पे इकट्ठा हो गया। इस इकट्ठा होने के कारण अब होगा क्या कि यहां पर जो ये हमारा सन हुआ करता था, इस सन के साथ साथ में ही अब यहां पर एक और बॉडी मूव करने लगेगी इसके चारों ओर और वो बन जाएगी हमारी पहली प्लैनेट। पहली प्लैनेट कैसे बन गया, आपको क्लैरिटी आ गई क्या चीज है? ये पूरा का पूरा जो एक्रीशन है, ये पूरा का पूरा जो जमाव है, ये पूरा बताया गया था हमारे नेबुलर हाइपोथेसिस के द्वारा। अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली यार नेबुलर हाइपोथेसिस क्या चीज है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा। तो आपको ये पता लग गया कि द प्लैनेट्स वर मोल्डेड आउट ऑफ ए क्लाउड से हटे थे ऑफ ए मटेरियल एसोसिएटेड विद यंग सन से एंड वॉज रोटेटिंग स्लोली। तो ये स्लोली जो होते मूव कर रही होती थी, क्लियर। इसके बाद आती है दूसरी थ्योरी जिसको बोला गया बाइनरी हाइपोथेसिस। हालांकि इसके बाद टू स्टार बॉडी, थ्री स्टार बॉडी बहुत सारी आई थी, बट आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल वाले लोग ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। अब बाइनरी थ्योरी के बारे में जरा समझिएगा क्या चीज है। बाइनरी थ्योरीज में मान लेते हैं दिस इज आवर एक स्टार और ये स्टार का नाम मान लेते हैं कि सन है, दिस इज मान लेते हैं कि सन, क्लियर है। दूसरी एक बॉडी और आ जा रही होती है, मान लेते हैं कि दिस इज आवर प्लैनेट, कोई एक प्लैनेट है।
अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये चल रहा है। होता क्या है कि यहां पर एक और बॉडी आ जाती है, एक और बॉडी आ जा रही है, मतलब ऐसा तो है नहीं सिंगल स्टार है, तो यहां पर एक और स्टार आ गया, दिस इज और एक दूसरा स्टार, जो कि ये स्टार जो है वो खत्म हो रहा है, मतलब कि ये ब्रेकिंग स्टार है। अब ब्रेकिंग स्टार होने के कारण से अब इसका मास भी रिलेटिवली ज्यादा होगा। अब यहां से क्या है, इन दोनों के बीच में अलग से फोर्स लगेगा, जी एफ इज इक्वल टू जी एम टू एम थ्री, मान लेते हैं इसका मास एम थ्री है, ये मास टू है, ये मास वन है, तो एम टू एम थ्री अपॉन इन दोनों के बीच का आर टू स्क्वायर, ये मान लेते हैं आर वन है, ये आर टू है। अब देखिए इस प्लैनेट पे क्या होगा कि अलग अलग दो फोर्सेस लग गए, एक लग गया इधर के साइड में फोर्स, इधर लग गया दूसरा फोर्स। अब इस प्लैनेट के साथ होगा क्या, जो मान लेते हैं कि गोल है, अब धीरे धीरे इलिप्टिकल हो जाएगा, इस तरीके से इलिप्टिकल हो जाएगा। इस इलिप्टिकल होने में क्या होगा, अब अगेन मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन ये मान लेते हैं वन नंबर हो गया, ये मान लेते हैं टू नंबर हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, तो सिक्स अलग 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 मास पे अलग अलग फोर्स ये फील कर रहे होंगे, अलग अलग फोर्स फील कर रहे होंगे। अलग अलग फोर्स फील करने के कारण से अब होगा क्या कि ये जो बीच में हमारा प्लैनेट था, ये प्लैनेट अब इस तरीके से नहीं रह जाएगा, अब ये प्लैनेट टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये छह अलग अलग प्लैनेट में बदल जाएगा, छोटा बड़ा और बड़ा, फिर नॉर्मल, फिर छोटा, और इस तरीके से प्लैनेट चलाएगा। मैंने अभी बोला कि ये कंपेनियन स्टार जो आया है वो मूव कर जाएगा, दूसरे साइड में निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो सीधी सी बात है अब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है लगातार बना रहेगा, और बना रहने के कारण से अब देखिए इन दोनों के बीच में मान लेते हैं ये थर्ड नंबर है, दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच की दूरी भी कम होते जा रही है, तो अगर देखिए मास कम है तो दूरी भी कम है, और अगर आर स्क्वायर कम रहेगा तो ऑब्वियसली वैल्यू भी बढ़ा दे रहा होगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो या तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या तो मास ज्यादा होना चाहिए, या फिर रेडियस मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होनी कम होनी चाहिए, तो दोनों ही मैटर बराबर कर देंगे, जो दूर गया हुआ है उसके बीच में रेडियस ज्यादा हो जा रही है लेकिन मास बहुत ज्यादा हो जा रहा है। सिमिलरली अगर बात करें कि अगर जो पास वाली बॉडी है इसका मास कम है लेकिन रेडियस भी कम है, तो इस तरीके से हमें बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम बन जा रहा होता है। तो आई होप आप लोग को पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या चीज हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं बाइनरी थ्योरी में। तो एज पर दोस थ्योरी द सन हैड अ कंपेनियन स्टार, तो कंपेनियन स्टार के सारे इस तरीके से पूरा का पूरा प्लैनेट बन जा रहा होता है। हालांकि ये थ्योरी देखिए बिल्कुल सही तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप कह सकते हैं दीज आर द डेवलपमेंट्स टूवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के डिस्कशन में इन लोगों ने ये सब चीजें बोली। इसके बाद होती है कि थर्ड नंबर पे आती है रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, तो इसके बाद से ये लगातार जो होता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में हम लोग बात कर रहे हैं। इस रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस में बोला गया कि मान लेते हैं दिस इज आवर सन, अगर ये सन है तो सन के चारों ओर में जो डस्ट पार्टिकल है वो अलग अलग तरीके से घूम रहा होगा, अलग अलग तरीके से घूमने के कारण में एक्रीशन हो जाएगा, और इस तरीके से छोटे छोटे जो भी प्लैनेट्स वगैरह वो बनना शुरू हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से वो घूमना शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी प्लैनेट बन जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, कुछ खास यहाँ पर बोला नहीं गया। तो रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस वॉज प्रोपाउंडेड बाई कार्ल विजर इन जर्मनी एंड ऑटो श्मिट इन रशिया, तो ये लोगों ने मिलकर बनाया हुआ था। दे रिगार्डेड दैट अ सोलर नेबुला सराउंडेड द सन एंड दैट नेबुला कंप्राइज ऑफ चीफली हाइड्रोजन हीलियम एंड समथिंग कॉल्ड डस्ट, तो बेसिकली जो ऊपर हम लोग क्लाउड के बारे में बात कर रहे थे वही यहां पर डस्ट पार्टिकल के बारे में इन लोगों ने बात कर दिया, और इन्होंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में बना दिया, और यहां पर थोड़ा सा और साइंटिफिक कर दिया, मतलब ग्रेविटेशनल थ्योरी वगैरह यहां पर और ज्यादा इन्होंने क्लियरली समझा दिया, तो बस वही चीज यहां पर डेवलपमेंट आ गई। द कोलिजन ऑफ पार्टिकल एंड द फ्रिक्शन कॉज्ड अ डिस्क शेप क्लाउड टू फॉर्म एंड द देन प्लैनेट्स वर क्रिएटेड वाया द एक्रीशन प्रोसेस, तो वही एक्रीशन के बारे में, मतलब एक जगह पे सब जुड़ना शुरू कर दिया, ये चीजें बन गई हैं। लेकिन ये सारी थ्योरी जो होती है अगेन कुछ खास निकली नहीं, कुछ खास इसमें डेवलपमेंट नहीं निकला, और यहां पर सात प्लैनेट होंगे, नौ प्लैनेट होंगे, बारह प्लैनेट होंगे, क्या होंगे इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था, इस वजह से ये सारी की सारी थ्योरी फेल हो जा रही होती है। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो बेसिकली एक पूरी तरीके से एवोल्यूशनरी थ्योरी निकल करके आती है, जो पूरी तरीके से माइंडसेट चेंज कर देती है लोगों का, ये जो पूरी डेवलपमेंट है वो उसका पूरा देखने का नजरिया ही बदल देती है, और उस थ्योरी को बुलाता है बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी में वन बाय वन करके हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, इन सब के बारे में एक काफी ज्यादा साइंटिफिक थ्योरी ये निकल करके आई थी, जो कि अभी तक काफी हद तक प्रेजेंट हम लोग प्रेजेंट केस में हम लोग इसी को मान रहे होते हैं। ऑल्दो हम लोग फिलहाल एक
ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी निकल के आई हुई है, उस पर हम लोग ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, बट स्टिल दिस थ्योरी इज एज रेलेवेंट एज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी। तो जो भी डेवलपमेंट निकल के आएगी उसमें हम लोग देखेंगे क्या कुछ है। अगर इस थ्योरी के बारे में बात करें, अगेन देखिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जा रही होती है। इसमें कहता है बिग बैंग थ्योरी, ये कहती है कि देखिए ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है दिस इज बेसिकली कॉस्मोस। ये तो ऑलरेडी आप लोग समझ ही गए हैं कि ये पूरा का पूरा कॉस्मोस है। तो कॉस्मोस का मतलब होता है कि रिजर्व ऑफ एनर्जी, और रिजर्व ऑफ एनर्जी का मतलब है कि हमें इस एनर्जी को अगर हम लोगों ने स्टडी कर लिया तो हमने यूनिवर्स का स्टडी कर लिया। तो बेसिकली अब ये फोकस अपना पूरा का पूरा जो किए वो एनर्जी के डिस्कशन पे किए, एनर्जी के एनालिसिस पे किए। इन्होंने जब एनालिसिस करने पे आए तो इन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहले इन्होंने बात किया था कि देखिए देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक पॉजिट्रॉन हो गया, या फिर न्यूट्रिनो हो गया, या फिर क्वार्क हो गया। तो ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, जैसे पॉजिट्रॉन, क्वार्क एंड न्यूट्रिनो, इनके बारे में हमें बेसिकली स्टडी करना चाहिए क्योंकि दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल एक दूसरे के साथ में इनहिलेट करके, एक दूसरे के साथ में जुड़ करके फिर बनाते हैं ये एटॉमिक पार्टिकल। ये एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनको बोला जाता है एटॉमिक पार्टिकल। ये एटॉमिक पार्टिकल मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, और मॉलिक्यूल अल्टीमेटली मिल करके एक पूरा का पूरा बॉडी बना रहा होता है। ये पूरी थ्योरी इसी चेन साइकिल पर ही डिपेंडेंट है। इसको वन बाय वन करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले बोला गया, लेट मी टेक सम हाइलाइटर, सबसे पहले बोला गया हमारे यहां पे द कॉस्मोस गोज थ्रू अ सुपर फास्ट इन्फ्लेशन एक्सपेंडिंग फ्रॉम द साइज ऑफ अ एटम टू दैट ऑफ ए ग्रेप फ्रूट इन अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो बहुत ही छोटी सी कोई चीज है वो बड़े रूप में कन्वर्ट हो जा रही है, बहुत ही कम समय, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कन्वर्ट हो जा रही है। ये कन्वर्ट इसलिए हो रही है क्योंकि ये पार्टिकल बहुत ही लाइट है और काफी ज्यादा ये एनर्जी को लिए हुए है। एनर्जी को चूंकि अपने साथ में इकट्ठा होने के कारण से ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, और अट्रैक्ट होने के बाद में पोस्ट इन्फ्लेशन द यूनिवर्स इज अ सीथिंग हॉट सूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वार्क एंड अदर पार्टिकल्स। तो ये एक तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रही होती है। इस सब एटॉमिक पार्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद में जैसे जैसे एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना शुरू होती है, आपस में रैपिड कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रैपिड कूलिंग कॉस्मोस परमिट क्वार्क टू क्लंप इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है ये अब एटॉमिक पार्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है इन आवर स्टेज थ्री, जहां पर जो टेम्परेचर है वो 10^13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। नेक्स्ट फेज में क्या होती है, नेक्स्ट फेज में ये होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई भी खाना खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, मान लीजिए एक जगह पे बीच में इकट्ठा कर दिया तो वो अभी भी हॉट रहेगा, गर्म रहेगा, लेकिन जब आप उसको पूरी की पूरी प्लेट में अपने फैला लेते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जा रहा होता है। यानी जब भी हम स्प्रेडिंग या एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें एनर्जी खत्म हो रही होगी, एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल रहा होगा और कूलिंग स्टार्ट हो जा रही होगी। तो बस वही चीज है, स्टेज फोर में सेम यही चीज हो रही होती है। स्टिल टू हॉट टू फॉर्म इनटू एटम, चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रिवेंटेड लाइट फ्रॉम शाइनिंग, द यूनिवर्स इज सुपर हॉट, इस समय चल रहा है सुपर हॉट, फॉग के रूप में बना हुआ था। धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेंशन होना शुरू होता है, एक्सपेंशन होने के कारण से कूलिंग स्टार्ट हो रही होती है इन आवर स्टेज फाइव। यहां पर बोला गया कि इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू फॉर्म एटम। तो देखिए अब एटम बनना शुरू हो गया है, एटॉमिक पार्टिकल से अब ये मॉलिक्यूल मतलब कि एटम बनना शुरू हो जाता है, मोस्टली बनती है हाइड्रोजन, हीलियम, लाइट फाइनली अब शाइन करना शुरू कर दे रही होती है क्योंकि अब ये प्रॉपर एक मटेरियल के फॉर्मेट में आ गया है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होती है, ग्रेविटी मेक्स हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस कोलिजन टू फॉर्म द फ्लूइड द जायंट क्लाउड दैट विल बिकम गैलेक्सी स्मॉलर क्लम्स ऑफ गैस कोलिज फ्रॉम द स्टार। तो अगेन क्या होता है, एटम एटम बन बन करके अब बड़े रूप में निकलना शामिल, बड़े रूप में निकलना स्टार्ट कर दिया इन द फॉर्मेट ऑफ पहले क्लाउड एंड देन गैलेक्सीज एंड देन फिर उसके बाद अल्टीमेटली एक सिस्टम ऑफ स्टार बन करके निकल के सामने आना शुरू हो जा रहा होता है। स्टेज सेवन में क्या होता है कि जैसे जैसे अगेन मैंने बताया कि एक्सपेंशन होगा तो एनर्जी उसकी कम होगी, वही यहां पर अल्टीमेटली होता है कि एज गैलेक्सी क्लस्टर टुगेदर अंडर ग्रेविटी द फर्स्ट स्टार डाई एंड एक्सपैंड एंड स्प्यू हाई एलिमेंट इनटू स्पेस, दोज विल इवेंचुअली टर्न इनटू न्यू स्टार एंड प्लैनेट। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बनना शुरू हो जा रही होती है। तो ये है बेसिकली बिग बैंग थ्योरी, जहां पर एक सिंगल सिंगुलैरिटी
सिंगुलैरिटी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, जहां पर एक सिंगल एलिमेंट है उस सिंगल एलिमेंट से, यहां पर देखिए सिंगल एलिमेंट है, इस सिंगल एलिमेंट से हम लोग एक पूरे के पूरे प्लैनेट सिस्टम पर निकल करके आ जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वी आर नॉट द एस्ट्रोनॉट्स एंड वी आर नॉट स्टडिंग द एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, हम लोग बेसिकली ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोगों का इतना ही कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहां पर देखिए वही पूरा का पूरा जो होता है आपको टाइम स्केल दिया गया है कि किस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और इस स्लाइड से मतलब जो पीडीएफ अपलोड किया गया है उसको आप लोग देख करके उसको देख सकते हैं। बाकी इसमें देखिए कुछ भी याद करने की चीज नहीं है, मतलब आप टाइम वगैरह या टेम्परेचर वगैरह ये याद करने की जरूरत नहीं, बस आप इवेंट के बारे में जानकारी रखिए कि क्या हुआ। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, फिर एटॉमिक पार्टिकल एटम में कन्वर्ट होता है, फिर ये गैलेक्सीज और जितने भी हमारे स्टार सिस्टम वगैरह है वो बनाना शुरू कर दे रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, अब ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ डिस्कशन और भी दे दिया गया है, लाइक बिग बैंग थ्योरी इज द प्रिवेलिंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल फॉर द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आपको पता ही चल गया कि ये कॉस्मोलॉजिकल मॉडल ही है, क्योंकि हम लोग यहां पर एनर्जी का ही स्टडी कर रहे हैं। इन इट स्टेट्स दैट एट सम मोमेंट ऑल ऑफ स्पेस वॉज कंटेन्ड इन अ सिंगल पॉइंट। तो अगेन देखिए एक सिंगल पॉइंट, वही जो हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स थी वहीं पर सारी एनर्जी जो होती है इकट्ठा हो रखी थी और उसी एनर्जी से हम लोग चीजों को आगे निकाल रहे थे। ऑफ वेरी हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर स्टेट फ्रॉम विच द यूनिवर्स हैज बिन एक्सपैंडिंग इन ऑल डायरेक्शन सिंस एवर। तो ये इस तरीके से एक्सपेंशन होते जा रहा है। मॉडर्न मेजरमेंट प्लेस दिस मोमेंट एट अप्रोक्सिमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स ago, जो कि पहले भी लोगों ने बोला हुआ था। आफ्टर द इनिशियल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोल रहे थे, द यूनिवर्स कूल्ड सफिशियंटली। तो बस वही चीज है, एक्सपेंशन होगा तो आपकी जो खाना आपकी जो खिचड़ी है वो कूल डाउन करना शुरू कर दे रही होगी आपके प्लेट में। तो वही चीज यहां पर भी है कि यूनिवर्स कूल्ड सफिशियंटली टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड लेटर सिंपल एटम्स, और बाद में गैलेक्सीज वगैरह बन जा रही होंगी। द मेजर मेजॉरिटी ऑफ एटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द बिग बैंग वर हाइड्रोजन एंड हीलियम अलॉन्ग विद ट्रेसेस ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। और यही रीजन है कि जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम है यही दोनों हमारे सन पे पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1, इस तरीके से 1H1 ये जुड़ करके हमारी 2H2 बना रही होती है, 2H4 इस तरीके से बना रही होती है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके की सिस्टम बन रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, द जायंट क्लाउड्स ऑफ दीज प्राइमोडियल एलिमेंट्स लेटर कोइलीज थ्रू ग्रेविटी टू फॉर्म स्टार एंड गैलेक्सी। तो अब जैसे जैसे ये थोड़ा सा शेप ले लेगा वैसे ही इन दोनों के ऊपर में अब F=gm1m2/r² लगना शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाली चीज है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब ये अपना कुछ शेप ले लेगा तब फिर लगना शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स एवर सिंस इट्स बर्थ इज एक्सपैंडिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो सारे डायरेक्शन में फैलना शुरू कर दे रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? In 1964, the cosmic microwave background radiation was observed. अब देखिए microwave ये वाली चीज क्या है? जैसे क्या है कि यहाँ पर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एनर्जी की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन नहीं किया है कि what kind of energy, जैसे ये रेज के फॉर्मेट में है माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, रेज या वेव जो भी कहना है आपको इसके फॉर्मेट में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कैटेगराइजेशन कहाँ है, इसकी कैटेगराइजेशन क्या है, मतलब कि गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रा वायलेट है या फिर कौन सी वेव्स है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा कहानी उठता है 1964 में, वेयर द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन वॉज डिस्कवर्ड, विच वॉज क्रूशियल एविडेंस इन फेवर ऑफ बिग बैंग थ्योरी। तो इस तरीके से हमें बिग बैंग थ्योरी को और ज्यादा एक तरीके से प्रूफ मिल गया कि हाँ ठीक है ये चीज सही बोली गई है। अदर एविडेंस सच एज कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट, ग्रेविटेशनल वो एटसेट्रा हैव एडेड टू द बिग बैंग थ्योरी। तो आज की डेट में जो रेडवर्ड शिफ्ट हो गया या फिर ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी हो गई, ये दोनों के दोनों भी बिग बैंग थ्योरी को सही बोल रही होती है, कहती है कि हाँ ठीक है ये चीज सही है। ये देखिए वो सिंगुलैरिटी है जिससे निकल के आया, ये हो गया हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल, ये बन गई हमारी एटॉमिक पार्टिकल, फिर हमारी ये गैलेक्सीज वगैरह बनना शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम वगैरह बनना शुरू हो जा रहा होता है। तो बेसिकली इस तरीके के फोटोग्राफ से भी आप देख सकते हैं, दिस इज द सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल। इसके बाद देखिए एक डॉपलर शिफ्ट या फिर रेडबर्ड शिफ्ट या ब्लूबर्ड शिफ्ट भी आप बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी हम लोग एक स्केल के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी एनर्जी क्या हो रही होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बोलूंगा, जैसे मान लेते हैं कि रेड, जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, वेवलेंथ इसकी काफी ज्यादा होती है और ब्लू की वेवलेंथ रिलेटिवली कम होती है। आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर। अब ये विबग्योर का मतलब क्या है, इसके पास होती है हाई वेवलेंथ, वेवलेंथ। जब वेवलेंथ का मतलब क्या है, ये होती है वेव, दिस इज वेव,
जितनी ट्रैवल, ये जितनी भी वेवलेंथ, जितनी दूरी तक ये ट्रैवल कर रही है उसी को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। जैसे लाल रंग के बारे में, रेड कलर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये काफी दूरी तक ट्रैवल कर ले रही होती है। रेड कलर आपको बहुत ही तेजी से, शार्प तरीके से दिख रहा होता है, इसलिए मैं भी रेड कलर ही लेके चल रहा होता हूं। तो रेड कलर से आपको एक शार्पनेस मिल रही होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, दिखता काफी साफ से है। और जबकि वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है। जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं ब्लू कलर या इंडिगो कलर ये सब नहीं लेता हूं क्योंकि अगेन वही क्लियर नहीं होती है, चीजें दिख नहीं रही होती है। तो यहां से आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि हाई वेव होती है रेड कलर के पास में और बाकियों के पास में रिलेटिवली कम हो रही होती है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर में जो हाई वेव है वो घट रही है, यानी कि इसके पास सबसे ज्यादा लो वेव है, मतलब इसके पास लो वेवलेंथ है और नीचे वाले के पास सबसे ज्यादा हाई वेवलेंथ है। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब इसके बाद से हमारे पास एक एनर्जी आती है E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, या इसी को बोलते हैं एच म्यू। ठीक है, ये एनर्जी का एक प्रिंसिपल होता है जहां पर ये सिस्टम हो रही होती है। अब सीधी सी बात है, लेमडा मतलब होती है वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ। H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और C का मतलब होता है लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाती है हमारी पूरी की पूरी सिस्टम। तो ऊपर तो पूरा का पूरा वैल्यू जो होता है कांस्टेंट हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू E। ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया क्या चीज है? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रट्टा मार लीजिए क्योंकि आप लोग इस समय फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये चीज हो गई। और यही चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लेमडा जितना ज्यादा होगा, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी ही कम होगी, यानी रेड के पास एनर्जी सबसे कम होती है, दिस इज लोवेस्ट एनर्जी। और जबकि इस जो हमारा वायलेट है इसके पास हाइएस्ट एनर्जी हो रही होती है। तो आप लोगों को ये बेसिकली सिस्टम पूरा क्लियर हो गया होगा क्या चीज है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और आगे के सिस्टम को जरा समझते हैं कि क्या चीज है। ये पूरा फॉर्मूला आप लोग यहां पर, मैं मिटा नहीं रहा हूं, उसको आप लोग देखते रहिएगा क्या चीज है। अब हम लोग जरा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा डॉपलर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ये क्या आ जाता है बार बार। ओके, तो यहां पर हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं डॉपलर क्या है। अब मान लेते हैं दिस इज आवर सपोज सन, ये हमारा मान लेते हैं सन है, तो इसके पास क्या है, हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी। इस हाई एनर्जी से जब रेडिएशंस निकलेंगी तो ये रेडिएशन ऑब्वियसली, ये रेडिएशन यहां पर काफी ज्यादा हाई होगी, यहां पर काफी ज्यादा लो होगी। ये तो क्लियर हो गया क्या चीज है, क्योंकि दूरी आगे बढ़ते आएगी, एक्सपेंशन होते जाएगा, कूलिंग होते जाएगी, तो एनर्जी भी घटते जाएगी। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इस हाई एनर्जी के पास में ऑब्वियसली एनर्जी अगर हाई है यहां पर, तो इसके पास वेवलेंथ कैसी होगी, वेवलेंथ ऑब्वियसली इसकी लो होगी। और यहां पर वेवलेंथ कैसी होगी, यहां पर वेवलेंथ होगी हाई वेवलेंथ, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा वायलेट, इसका कलर होगा वायलेट या ब्लू या ग्रीन इस तरीके से। इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा रेड, रेड। ये तो क्लियर हो गया। यानी कि अगर आप यहां पर हैं, इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द एनर्जी सोर्स, आपको क्या दिखेगा, जो रेड कलर है वो कन्वर्ट होते हुए दिखेगी ब्लूवर्ड शिफ्ट में, आपको ब्लूवर्ड शिफ्ट में देखते हुए मिलेगी। लेकिन अगर आप यही यहां से हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर मूव करेंगे तो आपको ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा होगा। ये समझ में आया क्या चीज है, कि जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाएंगे, यानी कि अगर ये सोर्स है, इससे आप जैसे जैसे दूर मूव करते जाएंगे आपको रेड कलर दिखना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इस सोर्स के आप पास आना शुरू कर देंगे, नियर टू दिस सोर्स आना शुरू कर देंगे, आपको ब्लू कलर दिखना शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लू वर्ड शिफ्ट, इसी को बोलते हैं ब्लू वर्ड शिफ्ट, और ऊपर वाले को बोलते हैं रेड वर्ड शिफ्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है, रेड वर्ड शिफ्ट एंड ब्लू वर्ड शिफ्ट। तो इसी सिस्टम को बोला जाता है पूरा का पूरा डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट। हालांकि डॉपलर्स इफेक्ट जो होती है वो साउंड के एनर्जी में पढ़ाया जाता है जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। खैर, ये एनर्जी का फॉर्मेट होता है, वेव इज ऑल्सो अ फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द डॉपलर्स इफेक्ट ऑल्सो इन दिस आवर डिस्कशन। चलिए, खैर, तो आपको एक पूरी की पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली क्या सिस्टम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडवर्ड शिफ्ट और ब्लूवर्ड शिफ्ट डिस्क्राइब हाउ लाइट चेंजेस एज ऑब्जेक्ट इन स्पेस सच एज अ स्टार और गैलेक्सी मूव क्लोजर और फार्दर अवे फ्रॉम अस। क्लियर, द कॉन्सेप्ट इज की टू चार्टिंग द यूनिवर्स एक्सपेंशन। तो बेसिकली यही यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बारे में बात कही जा रही है। द विजिबल लाइट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, तो यहां पर तो हम लोग बात कर ही लिए हैं कि विजिबल लाइट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, विबग्योर वाला सिस्टम, विच इज क्लियर टू एनीवन हु हैज लुक्ड एट अ रेनबो। तो रेनबो में जब आपने देखा होगा तो वही आपको वही सात कलर विबग्योर देखने को मिल रहा होता है।
When an object moves away from us, जब एक मतलब कि सोर्स से दूर जा रहा होता है तो हमें डॉपलर इफेक्ट की लो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है एंड द लाइट इज शिफ्टिंग टू द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. दूर जाएंगे रेड एंड देखना शुरू हो जाएगा और वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ती जाएगी. वही उल्टा क्या होगा, जब आप क्लोजर आना शुरू कर देंगे तो लाइट मूव्स टू द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड इट्स वेवलेंथ गेट्स शॉर्टर. तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को. मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में आप लोगों को बता दिया है. अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, और इन्हीं के नाम पे हबल टेलीस्कोप भी बनी थी. चलिए खैर, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल वॉज फर्स्ट टू डिस्क्राइब द रेडवर्ड शिफ्ट फिनोमिना इन जो भी गैलेक्टिक रेड शिफ्ट है एंड टाई इट टू एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स गैलेक्सी आर डिफरिंग अपार्ट. तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल सा वो ऑब्जर्वेशन बता दिया गया कि हाँ दिस इज बींग ऑब्जर्व इन टू द एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्स में हम लोग इस चीज को देखे हुए हैं. हबल्स लॉ इन्होंने प्रोपाउंड किया, इन्होंने कहा कि द फार्दर अवे गैलेक्सीज आर फास्टर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, दे आर नोन एज एक्सेलरेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स. जितनी भी दूरी के जो गैलेक्सीज हैं वो तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं और इस तरीके से यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है. क्लियर हो गया, दिस इज बेसिकली द फिगर. जब आप देखेंगे यहां पर तो देखिए ये है हमारा सोर्स, ये हमारी है सोर्स. सोर्स जब पास में आ रही है तो देखिए ब्लूवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है. सोर्स जब देखिए यहां पर दूर जा रही है तो आपको रेडवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है. तो यहां पर क्लैरिटी आ गई होगी बेसिकली व्हाट इट इज. ओके, नाउ द सेकंड थ्योरी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड. अब हम लोग जो ये पूरी की पूरी रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में चलना शुरू करते हैं क्योंकि अगेन ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है. देखिए, विद अ ट्रेडिशनल ऑप्टिकल टेलीस्कोप द स्पेस बिटवीन स्टार एंड गैलेक्सी इज कंप्लीटली डार्क. इन दोनों के बीच में जब भी हम देखेंगे तो चूंकि दूरी काफी ज्यादा है इस वजह से हमें कोई कलर नहीं दिखता है, और कलर नहीं दिखने का मतलब ब्लैक कलर दिख रहा होता है. हाउएवर अ सेंसिटिव, अगर मान लीजिए आप सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप देखते हैं तो आपको फेंट बैकग्राउंड ग्लो देखने को मिलता है एंड दिस ग्लो इज स्ट्रॉन्ग इन द माइक्रोवेव रीजन ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड. तो पूरी की पूरी आपको एक लाइट का स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा होता है, पूरी लाइट देखने को मिल रही होती है, ग्लो दिख रहा होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, कॉस्मिक मतलब रिजर्व ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्मेट ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ रिजर्व ऑफ एनर्जी. तो कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा होता है. तो आई होप आप लोग को ये काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि क्या चीज हम लोग बात कर रहे हैं. The cosmic microwave background has gone for high energy photon to low microwave photon today due to the redshift shift from the universe. अब जैसे मान लेते हैं यह हमारी जो सन है, इस सन से हम लोग लगातार दूर जाते आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का केस है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का केस है. और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, redshift शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा. और यही redshift शिफ्ट के बारे में यहां पर डिस्कस भी किया जा रहा है कि CMB has gone from high energy photon टू लो माइक्रोवेव फोटोन टूडे, क्योंकि रेडवर्ड शिफ्ट एक्सपेंशन होते जा रहा है, इसलिए हाई से हम लोग लो में जाते जा रहे हैं. क्लियर हो गया क्या चीज है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं. ओके, तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ऑल्सो नोन एज रिलिक रेडिएशन इज ऑलमोस्ट द सेम इन ऑल द डायरेक्शन एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्टार गैलेक्सी और एनी अदर ऑब्जेक्ट. इट इज द थर्मल रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम बिग बैंग. तो बिग बैंग में हम लोगों ने बात किया था कि जो सिंगुलैरिटी है उस सिंगुलैरिटी से लगातार हर एक डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है. अब ऐसा तो है नहीं सिंगल डायरेक्शन में जाएगा, यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन में जाएगा. तो दिस इज बेसिकली द सिंगुलैरिटी, जो यहां से रेडिएशन जो निकल के आ रही है, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड निकल के आ रहा है, जो हम लोग अपने इस सेंसिटिव रेडियोस्कोप रेडियो टेलीस्कोप से देखे हैं, वो एक्चुअल में किसी ग्रह, किसी प्लैनेट या किसी सन या किसी स्टार या किसी गैलेक्सी से नहीं निकल के आ रहा है. वो निकल के आ रहा है हमारे सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल के कारण से. आप बोल सकते हैं कि जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इस सब एटॉमिक पार्टिकल से हमें निकल करके चीजें आ रही हैं. क्लियर हो गया. ओके, द सीएमबी इज फंडामेंटल टू ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट लाइट इन द यूनिवर्स एंड कैन बी फाउंड इन ऑल द डायरेक्शन. तो सबसे पुराना सिंगुलैरिटी है तो सबसे पुरानी लाइट भी यही कही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो अगेन देखिए, आप अगर कंसेप्ट सीख गए हैं, अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं, तो उसके बाद से आपको ये सारी की सारी तो थ्योरी दिख रही होंगी कि बहुत आराम से समझ में आ रही होगी क्या मतलब है इसका. द सीएमबी इज द रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम एन अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स डिस्कवरी इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क टेस्ट इन द बिग बैंग मॉडल ऑफ द यूनिवर्स. तो ये जो सीएमबी है कहीं ना कहीं बिग बैंग के डेवलपमेंट को, बिग बैंग को और ज्यादा प्रूफ करने के बारे में अच्छा बताया है, सही बताया है.
एंड दिस इज द पूरा का पूरा चार्ट जहां पर चीजें निकल के आ रही होती हैं। सबसे हाई एनर्जी यहां पर ये देखिए वेवलेंथ के बारे में बताया गया, वेवलेंथ जो होती है घटते आ रही है, दिस इज द वेवलेंथ का पूरा का पूरा तरीका। वेवलेंथ यहां पर बढ़ते आ रही है, दिस इज वेवलेंथ इंक्रीज। ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई तो एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गामा हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर अल्ट्रावायलेट हो गया, फिर विजिबल हो गया, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो, इस तरीके से हो जा रही होती है। क्लियर, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट स्पेक्ट्रम भी याद रखिएगा, किसने किस पे कितना क्या होता है। ये हमारी एनर्जी हो गई और ये हमारी यहां पर जो होती है वेवलेंथ हो गई। क्लियर हो गया क्या चीज है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे होते हैं। इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का फंडा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इट इज द ऑब्जर्वेशन दैट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज सच दैट द वेलोसिटी एट विच अ गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विद टाइम। तो समय के साथ जो होता है, ऑब्वियसली यहां पर जब चीजें देखेंगे तो जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि दिस इज सपोज अ सिस्टम, अगर मान लीजिए आपको केवल और केवल इस सर्कल में घूमना है तो आपको दूरी केवल इतनी तय करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मान लीजिए इस सरफेस पे जाना है तो आपको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और इनफैक्ट जो होता है हर जगह यही इतनी दूरी आ रही होगी। तो अगेन जितना ज्यादा आप ऑब्जर्वर से दूर होते जाएंगे वैसे ही समय के साथ आपकी दूरी भी बढ़ती जा रही होगी। इट इंप्लाइज दैट यूनिवर्स विल गेट इंक्रीजिंगली कूलर एंड मैटर स्प्रेड अक्रॉस द स्पेस। तो जितना दूर जाते जाएगा वैसा ही कूल होते जाएगा और उतना ही मैटर जो है वो स्प्रेड करता जाएगा। ये सारा डिस्कशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कोई हम लोग जब सोलर सिस्टम देखेंगे तो वहां पर हमारे जो पास के प्लैनेट है, मतलब सन के जो पास के प्लैनेट है, वो आपको एक सॉलिड फॉर्मेट में दिखेगा, लेकिन दूर जैसे जैसे होते आते हैं वैसे गैसियस फॉर्मेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा होता है, क्योंकि इनके पास में प्रॉपर एनर्जी नहीं बच पाती है। द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज थॉट टू हैव बिगन सिंस द यूनिवर्स एंटर्ड इनटू डार्क एनर्जी डोमिनेटेड एरा रफली 5 बिलियन ईयर्स एगो। द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन वाज डिस्कवर्ड इन 1998 यूजिंग डिस्टेंट टाइप लास्ट सुपरनोवा टू मेजर द एक्सेलरेशन। तो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन वगैरह के बारे में भी बात हो रखी थी। सुपरनोवा एक्सप्लोजन हालांकि कुछ खास नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि सपोज दिस इज अ गिगेंटिक सन, मान लेते हैं कि बहुत ही हाई एनर्जी का सन है, जब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये फूट जाएगा, मतलब कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगी। यहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ छोटे पार्टिकल, कुछ बड़े पार्टिकल, अलग अलग तरीके से पार्टिकल फैल जाएंगे। अब ये जो पार्टिकल है यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल फॉलो होगा, m इंटू वी, पी बराबर m इंटू वी। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी, और जितना हाई वेलोसिटी होगी उतना कम मास होगा। तो बस ठीक है, यहीं पे पास में गिरते आएंगे इतना, इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बन गया था, ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन था। ऑल दो इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसको स्किप कर रहा हूं। अ टाइप ला सुपरनोवा इज अ टाइप ऑफ सुपरनोवा दैट अकर्स इन बाइनरी सिस्टम, टू स्टार ऑर्बिटिंग वन अनदर, इन विच वन ऑफ द स्टार इज वाइट ड्वार्फ, द अदर स्टार कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ए गिगेंटिक स्टार टू एन इवन स्मॉलर वाइट ड्वार्फ। तो खैर नॉट सच इंपॉर्टेंट, वी आर स्किपिंग इट। ठीक है, ऑल सुपरनोवा आर थॉट टू हैव नियरली द सेम मैक्सिमम ब्राइटनेस व्हेन दे एक्सप्लोड, सच कंसिस्टेंसी अलाउ देम टू बी यूज एज बीकन टू मेजर अ रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। वीकर द लाइट फार्दर अवे द स्टार इज, जितना दूर रहेगा उतना ही कम एनर्जी रहेगी, उतना ही ज्यादा उसकी वेवलेंथ हो रही होगी। तो ये चीज हो जा रही होगी। इसके बाद आती है हमारी डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर का। एक्चुअल में व्हाट इट इज कि जैसे मान लेते हैं कि दो मैटर, अगर आपने दो बॉडी लिया, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी मान लेते हैं कि r है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। सपोज इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 100 कैलोरी, मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी जो होती है 100 कैलोरी या 100 न्यूटन जो भी बोलना चाहे वो निकल करके आ रही है सपोज। लेकिन क्या है कि मान लीजिए आपने जब अट्रैक्शन फोर्स यहां से नापा, मान लेते हैं कि ये जो भी अट्रैक्शन फोर्स निकल के आ रही है, ऑल द जितने भी फोर्सेस वगैरह उनको कैलकुलेट करने के बाद ये अट्रैक्शन फोर्स निकल के आ रही है, मान लेते हैं कि 105 न्यूटन। तो अब आपने कैलकुलेशन से तो कहा कि 100 है, लेकिन आपको निकल के आ रही है 105, यानी 5 न्यूटन क्या एक्स्ट्रा आ रही है। इस 5 न्यूटन एक्स्ट्रा आई क्यों, क्योंकि देयर मस्ट बी समथिंग एक्स्ट्रा एफ, कुछ एक्स्ट्रा एफ भी लग रहा होगा। एक्स्ट्रा एफ का मतलब जी एम वन एम डैश अपॉन आर स्क्वायर कुछ नया होगा, यानी हमें क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा एम डैश के बारे में नहीं पता चल पा रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा ये एफ के बारे में नहीं पता चल रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा एफ है, ये कुछ एक्स्ट्रा एम है। इस एक्स्ट्रा एफ, एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा मास को ही बोला जाता है डार्क एनर्जी, और मास को बोला जाता है डार्क मैटर।
जिसके बारे में हमें पता नहीं है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहां पर देखिए वही चीज यहां पर लिखी गई है, जैसे डार्क एनर्जी इज अननोन फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, मतलब हमें ये जो एफ एक्स्ट्रा है ये हमें पता नहीं है क्या चीज है, विच इज हाइपोथेटिकल टू परमिएट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल द स्पेस टेंडिंग टू एक्सलरेट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये चीज है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इसी के सहारे होते रह रहा है। The velocity of radiation for spiral galaxies depend on amount of mass contained in them. तो जितना भी spiral वगैरह जो भी rotation है उसके mass पर depend करता है। Actual में यहाँ पर force के बारे में बात हो रही है, net force जो होगी वही उसको एक force दे रहा होगा, वही उसको घुमा रहा होगा, वही उसको velocity दे रही होगी। But the outer arm of Milky Way are rotating much too fast to consistent with the amount of matter that we know exist in them. यानी कि हम लोग जो F बराबर G M1 M2 upon R square जानते थे, उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा M1 M dash एक्स्ट्रा आ रही है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो आउटर आर्म जो होता है वही रोटेट कर रहा है एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा फोर्स पा रहा है विद कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ मैटर दैट वी नो एग्जिस्ट। तो जितना हम लोग जानते थे उससे कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकल के आई है, और वही एक्स्ट्रा चीजों को हम लोग बोलते हैं डार्क मैटर। सच फास्ट रोटेशन इज पॉसिबल व्हेन There is more mass, extra mass, ये वाली mass जो होती है, and their extra mass is believed to come from the dark matter. तो कोई चीज जब पता नहीं रहती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं dark matter. Dark matter is a hypothetical form of matter that is thought to amount for approximately 85% of matter in the universe. 85% matter जो होता है वो dark matter के format में ही माना जा रहा होता है। डार्क एनर्जी प्लस डार्क मैटर कंस्टिट्यूट 95.1% ऑफ टोटल कंटेंट ऑफ द यूनिवर्स। अब आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा लिमिटेड नॉलेज है हमारी। यहां पर हम लोग 95% चीजों को हम लोग जान ही नहीं रहे, और उसको हम लोग बोल दे रहे हैं कि वो डार्क मैटर है। द रेस्ट इन द नॉर्मल मैटर, इन शॉर्ट वी कैन एंश्योर अबाउट वॉट इज देयर इन द 95% ऑफ द यूनिवर्स। द मेजोरिटी ऑफ डार्क मैटर इज थॉट टू बी कंपोज्ड ऑफ सेम एज यर टू अनडिस्कवर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो वही जो सिंगुलैरिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल आ रहे थे, ये सब एटॉमिक पार्टिकल कुछ ऐसे भी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं। जैसे हम लोगों ने क्वार्क को डिस्कवर कर रखा है, न्यूट्रिनो को डिस्कवर करके रखा हुआ है, पॉजिट्रॉन को डिस्कवर करके रखा है, बट देयर आर सम अदर पार्टिकल्स, सब अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर ऑल्सो देयर विच आर need to be discovered. तो अभी discovered नहीं हुए हैं, undiscovered है, उनको discover करने की जरूरत है। The name dark matter refers to the fact that it does not appear to interact with observable electromagnetic radiation such as light. तो जो हमारी light है उसके साथ में interact नहीं हो रहे, इसलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है, and that is why we are naming it dark matter. If it is thus invisible to the entire electromagnetic spectrum, making it extremely difficult to detect. तो बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज हो जा रही होती है। इसी तरीके से एक और मैटर होता है एंटी मैटर। जैसे क्या होता है, न्यूटन का एक प्रिंसिपल है, न्यूटन का एक प्रिंसिपल है कि इफ यू हैव एक्शन देन देयर विल बी रिएक्शन। क्लियर? इफ यू हैव एनी करेंट देन देयर विल बी एंटी करेंट, या इसी को बोल सकते हैं कि काउंटर करेंट। ठीक है, अगर इफ देयर इज अ मास देन देयर इज एंटी मास। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज पॉजिटिव है, इक्वली उतनी ही बराबर की निगेटिव मास भी अवेलेबल है, ताकि ये दोनों के दोनों जब भी एनहिलेट करेंगे तो देयर विल बी न्यूट्रैलिटी। इस न्यूट्रैलिटी को प्रिंसिपल को बोला जाता है, न्यूटन का प्रिंसिपल है, थर्ड लॉ बोला जाता है इसको। इसी के सहारे हम लोगों ने जो ये डार्क मैटर के बारे में बात किया है या मास के बारे में बात किया है, तो ये डार्क मैटर की अपनी खुद की एक एंटी मैटर भी होती है, जस्ट अपोजिट। जितना इसका पॉजिटिव होगा या जो मास होगा एग्जैक्टली उतना ही अपोजिट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का उल्टा ही उतना ही एंटी इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन है, उतना ही उल्टा एंटी प्रोटॉन होगा। न्यूट्रिनो है, उतना ही उल्टा एंटी न्यूट्रिनो होगा। सिमिलरली इस तरीके से क्वार्क है, एंटी क्वार्क होगा। तो ये पूरा का पूरा एंटी मैटर इसको बोला जाता है। तो वॉट इट इज हाइपोथेसाइज दैट एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल इन द यूनिवर्स हैज अ पार्टनर पार्टिकल नोन एज एंटी पार्टिकल। द पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बट मेनी अदर प्रॉपर्टीज आर द एग्जैक्ट अपोजिट। तो कुछ चीजें हैं जो सिमिलैरिटी रहेंगी, कुछ अपोजिट रहेंगे। द इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल हैज एन एंटी पार्टिकल, द एंटी इलेक्ट्रॉन, दे बोथ हैव द सेम मास, दे आर हैविंग बोथ अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज, -1.6 अगर एक का होगा तो दूसरा भी -1.6 ही होगा। Most of the human understanding of the antimatter comes from the high energy accelerator experiment. तो ये सब चीजें तो चलिए ठीक है, आप
ऑलरेडी बोल सकते हैं कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आया होगा. व्हेन मैटर पार्टिकल मीट्स इट्स एंटी मैटर पार्टिकल दे डिस्ट्रॉय ईच अदर कंप्लीटली एनिहिलेशन. वही जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो अल्टीमेटली जो है चीजों को खत्म कर रहे होंगे. और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में एनिहिलेट करेंगे, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव जब एनिहिलेट करेंगे तो इससे क्या है एनर्जी का जनरेशन होगा. क्यों? क्योंकि E बराबर MC स्क्वायर, मास आएगा तो C भी आएगा और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी एनर्जी निकल के आएगी. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करने के बारे में बोल रहा है कि हाउ द सिंगुलैरिटी हैज गॉट इट्स एनर्जी. तो फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग एनर्जी, इट इज द एंटी एनर्जी एंड द डार्क एनर्जी फ्रॉम वेयर दे इनहेलेट एंड दे फॉर्म द एनर्जी. तो इस तरीके से एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा होता है एनहिलेशन से. और इसी तरीके से इनफैक्ट हमारी हाइड्रोजन बॉम्ब हो गई या न्यूक्लियर बॉम्ब हो गई, इनका भी यही हमारा कह लीजिए कि प्रिंसिपल होती है वेयर मैटर इनहिलेट और ब्रेक. इसी तरीके से हमारी फिजन या फ्यूजन रिएक्शन होती है और अकॉर्डिंगली दे प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, फॉर इंस्टेंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मीट एन एंटी इलेक्ट्रॉन द टू इनहिलेट एंड प्रोड्यूस अ बर्स्ट ऑफ लाइट विच प्रोड्यूस अ करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ टू पार्टिकल. तो ये आप समझ ही गए हैं बेसिकली क्या चीज है. नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है ग्रेविटेशनल वेव के बारे में. देखिए ये ग्रेविटेशनल वेव अगेन मैं कहूंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू डिस्कवरी है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है. और अगर इनकेस पूछा भी जाएगा तो बहुत ही बेसिक सा पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है या क्या चीज है. तो हम लोग इससे रिलेटेड क्योंकि अभी चूंकि ये पूरी तरीके से डिस्कवर्ड नहीं है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, तो जो भी रिसर्च का आइटम होता है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल बन सकता है क्वेश्चन. इस वजह से बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं बता दूं कि ये काफी बेसिक क्वेश्चन इस पे आएंगे. हालांकि हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या कुछ है, हालांकि इसके लिए काफी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी दिया हुआ है यहाँ पर. तो देखिए ग्रेविटेशनल वेव का मतलब होता है ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कॉज्ड बाय सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड एनर्जेटिक प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स. तो बेसिकली ये कहते हैं कि सपोज ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स है. इस यूनिवर्स को अगर मैं एक मान लीजिए रेक्टेंगुलर शीट पे अगर दिखाऊं तो दीज आर बेसिकली चूंकि यहां पर अलग अलग पार्टिकल है, भाई नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर देयर एंड विद इन अ गैलेक्सी नंबर ऑफ सोलर सिस्टम आर देयर, नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर 10^22 स्टार्स है. तो 10^22 अगर स्टार है तो उनके पास तो एनर्जी भी है, उनके पास अपना मास भी है. तो क्या होगा, हर एक पार्टिकल अपना एक दूसरे के साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके रखा हुआ होगा. ये हमारा हर डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स बन रही है. तो कहीं पर भी आप इस पॉइंट पे अगर आप खड़े हो गए हैं तो आपको बहुत सारी ग्रेविटेशनल फील्ड फील हो रही होगी. इस पूरे के पूरे ग्रेविटेशनल फील्ड को इन लोगों ने फिर क्या कहा कि चलो ठीक है इसको एक काम करते हैं ग्रिड कर देते हैं. तो एक मिनट में क्लियर कर देता हूं. तो इसको पूरा का पूरा हम लोग एक काम करते हैं ग्रिडिंग कर लेते हैं. तो इन लोगों ने एक पूरा का पूरा ग्रिड बना लिया और इस ग्रिड पे इन लोगों ने हर एक ग्रिड की एक वैल्यू बता दी. सपोज इफ यू आर हियर देन देयर विल बी वन ग्रिड और इस ग्रिड पे अपनी एक ग्रेविटेशनल वैल्यू होगी. ये एक ग्रेविटेशनल वैल्यू होगी और इस ग्रेविटेशनल वैल्यू में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई एक बॉडी यहां पर आकर के अगर रख दी जा रही होती है, तो ऑब्वियसली इस ग्रिड पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में इस वाले पार्टिकल का अब अगेन एक इंटरैक्शन हो जाएगा और ये पूरी की पूरी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बदल जाएगी. बदल क्यों जाएगी, क्योंकि अब एक नया वेव जनरेट हो जाएगा और ये जो नया वेव है बेसिकली वो पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक रिपल लेकर के आ जाएगा, एक कह लीजिए कि वेव निकाल के आ जाएगा, एक तरंग लेकर के आ जाएगा. और यही पूरी की पूरी थ्योरी डिस्कस करती है ग्रेविटेशनल वेव के बारे में. थोड़ी सी टफ थ्योरी है, कई लोगों को मान लीजिए समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल कुछ चीजें होंगी जो आपको समझ में आएंगी और उसी केवल जो जितना आपको समझ में आएगा उसी से ही क्वेश्चन भी पूछा जाएगा. वी आर नॉट द साइंटिस्ट एंड वी आर नॉट स्टडिंग द साइंटिफिक रिसर्च हियर, वी आर जस्ट रीडिंग दिस ग्रेविटेशनल वेव ओनली फॉर आवर यूपीएससी एग्जामिनेशन और उससे हम लोग फंडामेंटल चीजों को ही केवल और केवल पढ़ेंगे. तो इसमें देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स. तो आप लोगों को रिपल का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई एक्स्ट्रा बॉडी रखी जाएगी उसके कारण से ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है वो चेंजेस आएंगे और उस चेंज के कारण से हमारी पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल फील्ड बदल जाएगी और उस बदलने को ही हम लोग कह रहे हैं रिपल्स जनरेट हो रही है. इन द फैब्रिक ऑफ टाइम स्पेस caused by most of the most violent and energetic processes in the universe. These ripples travel at the speed of light through the universe, carrying with them information about their origin. Albert Einstein predicted the existence of gravitational wave in 1916 in his general theory of relativity. ये इस पे question आ सकता है कि जो हमारे Albert Einstein है उन्होंने पहले ही बता दिया था. इन्होंने actually बताया था कि relativity principle के बारे में बताया था and this relativity principle यहाँ पर use की गई है. He observed that मैसिव एक्सलरेटिंग ऑब्जेक्ट सच एज इलेक्ट्रॉन स्टार और ब्लैक होल ऑर्बिटिंग ईच अदर वुड रिसेप्ट
space time in such a way that waves of distorted space would radiate from the source like the movement of wave away from a stone thrown in a pond. तो जैसे ही आप जो होते हैं, मान लीजिए कोई पॉन्ड है, उसमें आप अगर कोई पार्टिकल डाल देते हैं तो एक रिपल जनरेट हो जाती है. देखे होंगे आप लोग इस तरीके से वेव जो होती है वो ट्रेवल करना शुरू कर देती है. सिमिलर नेचर के यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें भी इसी तरीके की रिपल जनरेट होती है, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो क्या चीज है. ओके आगे अगर बात करें तो देखिए, इन 2015 लीगो एक्सपेरिमेंट किया गया था, फिजिकली सेंस द डिस्टॉर्शन ऑफ द स्पेस टाइम कॉज्ड बाय द पासिंग ग्रेविटेशनल वेव, जो कि दो ब्लैक होल को आपस में टकराने के बाद जैसे पैदा हो सकती है वैसे ही यहां पर भी जनरेट करने की कोशिश की गई थी. देखिए इसके लिए काफी अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है यूट्यूब पे, ये ग्रेविटेशनल वेव्स एक्सप्लेन्ड, ये पाइल्ड हायर एंड डीपर, ये कुछ कॉमिक है उसके सहारे बनाया गया है. इसकी मैं लिंक ऊपर दे दिया हूं, देखिए आई बटन में आपको शो भी हो रही होगी और ये सजेशन में आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं. इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, एक 3D फील की क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन के फॉर्मेट में दिया गया है. मैं वीडियो यहाँ इंक्लूड नहीं किया हूँ, बस मैंने सजेशन लगा दिया है क्योंकि वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है. ओके तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आइंस्टीन थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं कि 1905 जो हमारे आइंस्टीन साहब है उन्होंने डिटरमाइन किया था कि लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स एंड दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम वाज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर्स. एज अ रिजल्ट ही फाउंड दैट टाइम एंड स्पेस वर इंटरवोवन इनटू अ सिंगल कंटिन्यूम नोन एज टाइम स्पेस. इवेंट्स दैट अकर एट द सेम टाइम फॉर वन ऑब्जर्वर कुड अकर एट डिफरेंट टाइम्स फॉर अनदर. दिस वॉज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिंसिपल. देखिए अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, यू कैन स्किप दिस स्लाइड क्योंकि आपके काम की चीज नहीं है. बाकी जो लोग फिजिक्स बैकग्राउंड से है या साइंस वगैरह पढ़े हैं तो उनको ये समझ में आ रहा होगा क्या चीज इसके बारे में कही जा रही है. इन 1915 आइंस्टीन जो होती है वो पब्लिश किए थे अपनी जनरल थ्योरी. उन्होंने कहा था कि ही डिटरमाइंड दैट मैसिव ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्ट टाइम स्पेस के हिसाब से वो चेंज हो रहे होते हैं और इस तरीके से वो ग्रेविटी को फील कर रहे होते हैं. ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड ग्रेविटेशनल वेव्स आर स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी. तो यहाँ पे दो ही प्रिंसिपल है. ग्रेविटेशनल वेव के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है. ग्रेविटेशनल लेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दिस इज अ लाइट अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट. जैसे मान लेते हैं कि सपोज दिस अ मैसिव ऑब्जेक्ट, इसके बियॉन्ड मान लेते हैं लाइट जो होती है वो आपको दिख नहीं रही है, इसके बियॉन्ड लाइट नहीं दिख रही है. क्यों? क्योंकि ये है ब्लैक होल. अब ये ब्लैक होल वगैरह क्या है हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके कंटिन्यूएशन में ही देखेंगे वहां पर क्या होती है लाइट होल, ब्लैक होल क्या चीज होती है. अब यहां पर क्या होता है, ब्लैक होल के बाहर में आपको क्या है, एक बढ़िया से लाइट दिख रही होगी, मतलब इट विल लुक लाइक दिस. ये अच्छा खासा यहां पर लाइट है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लाइट है एंड देन सडनली जो होती है आपकी लाइट खत्म हो जा रही है. तो इस तरीके से जो ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये पूरी की पूरी लाइट एंड देन यहां पर फिर उसके बाद से आगे गायब हो जा रही है. तो बेसिकली आपको क्या लगेगा सरफेशियली कि एक लेंस के फॉर्मेट में है, जहां ये लेंस है और इस लेंस से जब आप देख रहे हैं तो लाइट दिख रही है और इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंस, क्योंकि अंदर जाने के बाद में लाइट यहां पर डिसअपीयर हो जा रही है क्योंकि ये बेसिकली ब्लैक होल का इलाका है. तो लाइट अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक होल इज बेंट कॉजिंग इट एक्ट एज अ लेंथ फॉर द थिंग दैट लाई बिहाइंड इट. तो इसके बियॉन्ड क्या है वो नहीं दिखेगा आपको, इसके ऊपर क्या है ये आपको दिख जाएगा. ब्लैक होल के बारे में अगर आपको समझना है तो मैं कहूंगा कि एक मूवी बनी है इंटरस्टेलर, काफी अच्छी मूवी है. इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो एंड वॉच दैट मूवी, काफी अच्छे से आपको एक चीजें समझ में आएंगी, एस्ट्रोनॉमी की चीजें समझ में आ जाएंगी. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो वॉच द मूवी अपोलो मूवी, या इसके अलावा मार्शियन मूवी भी आप देख सकते हैं. सारी की सारी भी अगेन काफी अच्छा डिस्कशन, काफी अच्छा आपको एक फील देंगी कि एस्ट्रोनॉमी में कैसे क्या डिस्कशन हो रही होती है. इसके अलावा देखिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ग्रेविटेशनल वेव कैन वर्क एज सायरन टू मेजर द एक्सपेंशन रेट ऑफ यूनिवर्स एंड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स. तो हमें क्या है, एक नया जरिया मिल गया है ओरिजिन को मतलब कि यूनिवर्स को जानने का. इसके अलावा हबल्स लॉ भी है, द फार्दर अवे गैलेक्सीज आर द फास्टर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जो भी गैलेक्सीज दूर भाग रही है वो एक्सपेंशन ज्यादा तेजी से कर रही है और इसी वजह से उनकी लाइट हमें दिख नहीं रही होती है. इसके अलावा देखिए हबल कॉन्स्टेंट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट डिस्क्राइब द रेट एट विच द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये बताया गया है. टू पैरामीटर्स दैट आर एसेंशियल टू एस्टिमेट द हबल कॉन्स्टेंट आर द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम अर्थ एंड हाउ फार दे आर मूविंग फ्रॉम अवे फ्रॉम ईच अदर. तो एक तो डिस्टेंस पता होना चाहिए और कितनी तेजी से हो जा रहा है वेलोसिटी, तो हम लोग निकाल लेंगे. और ये पूरी की पूरी डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं अपने ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी के माध्यम से. बट टू डेट द मोस्ट प्रिसाइज एफर्ट दैट हैव लैंडेड ऑन वेरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ हबल कॉन्स्टेंट. तो देखिए अगेन दिस इज वेरी साइंटिफिक एंड यू कैन स्किप ऑल दैट, चीजों को आप स्किप कर सकते हैं.
तो द एमिटेड ग्रेविटेशनल वेव इज डिटेक्टेड ऑन अर्थ एंड दे प्रोवाइड अ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ सिस्टम्स डिस्टेंस। छोड़ सकते हैं आप इनको क्योंकि काफी डिटेल डिस्कशन है, इसके बारे में आपसे कभी भी यूपीएससी इतना डिटेल में जाकर के नहीं पूछती है। जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी इज रिलेटेड विद वॉट, तो आप बता देंगे दिस इज रिलेटेड विद ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। हम लोग स्टडी ऑफ यूनिवर्स इससे कर रहे होंगे। दिस इज वॉट यूपीएससी कैन आस्क विद यू, चीजों को पूछ सकती है। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।